ऐसे लोगों को बोलते हैं फुल ऑफ लाइफ, क्या बोलते हैं, फुल ऑफ लाइफ, जो मतलब जिंदगी ना खुलकर जीते हैं, टेंशन नहीं, फालतू टेंशन नहीं लेनी, राइट। तो ये क्या है, शी इज फुल ऑफ लाइफ, क्या बोलेंगे, नहीं सेंटेंस बोलो ना, शी इज फुल ऑफ लाइफ। तो क्या फुल ऑफ लाइफ हो, आर यू फुल ऑफ लाइफ, मैं तो नहीं हूँ, आई एम नॉट, हाँ आप डोंट निकल रहे, बता क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने एक्शन वाले सेंटेंस प्रैक्टिस किया हूँ अभी तक, मैं कोई काम करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ, इसमें मैंने करता हूँ या नहीं करता की बात ही नहीं की, क्या मैंने इसमें कोई बात की कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, इसमें सिंपल मैंने होने की बात की है, और होने की इंग्लिश होती है इज एम आर, और इज एम आर की पास्ट होता है वॉज वर, सिखाया था, और इसका फ्यूचर में होता है बी, सिर्फ फ्यूचर ही नहीं कहेंगे, है तो खैर वो प्रेजेंट फॉर्म ही, फर्स्ट फॉर्म ही उसकी, ठीक है ना, लेकिन वो किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगती है, विल बी, शैल बी, मे बी, माइट बी, राइट। जैसे कि गो की तीन फॉर्म है, गो, वेंट, गोन, ऐसे इज एम आर और बी, दूसरा वॉज वर, थर्ड बीन, बी वॉज बीन होता है, बीन कहा जाए तो सिंपल, बी वॉज बीन, तो बी के ही अलग अलग रूप क्या है, इज एम आर, इज एम आर को हम बहुरूपीय के रूप में कह सकते हैं, क्या है, इम्पोस्टर, क्या है, इम्पोस्टर क्या होता है, जो कि बहुरूपीय होता है ना, उसे बोलते हैं इम्पोस्टर, मतलब कभी आपको इज के रूप में आके कन्फ्यूज करता है, एम के रूप में कन्फ्यूज करता है, आर के रूप में करता है, लेकिन है ही वही इंसान, कोई अलग इंसान नहीं है, वो वही इंसान है, गॉट इट, वो बस रूप बदल के आ रहा है, ओके। बाकी ओके तो सिंपल होते हैं कि भाई गो है, सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, थर्ड हो गई गोन, सिमिलर भी लगते हैं, डांस डांस्ड डांस्ड, पता लगता है कि डांस की ही फॉर्म्स हैं, प्ले प्लेड प्लेड, पता लग रहा है उसी की फॉर्म्स है, बदलती नहीं है, लेकिन ये टोटली एक बदली बदली से लगती है ना, इज एम आर बिल्कुल अलग अलग लग रहे हैं, राइट। ऐसे ही वॉज वर, इज एम आर का ही पास्ट वॉज वर है, और इसकी थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगी, गॉट इट। तो मैंने कहा, अब मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा था कि आप ये काम करते हो या नहीं करते हो, अगर काम होता तो हमारे डूडल से क्वेश्चंस होते, सीख रखा ना सब कुछ, मैंने पूछा होता कि क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले, क्या आप डांस करते हो, क्या आप गाली देते हो, समझ में आया, डू यू लगता रहेगा, मैंने पूछा क्या ये गाली देता, डज लगेगा, थर्ड पर्सन है, डज ही अब्यूज, ये नहीं गाली देता, ही डजंट अब्यूज, क्या खेलता है, क्या रोज आता है, क्या प्रैक्टिस करता है, डज ही प्रैक्टिस, तो डूडल से क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कहा था, अगर ये बचपन से भी बनाते आ रहे हो सेंटेंस, आप एक लड़के हो क्या, आर यू अ बॉय, क्या आप अच्छे बच्चे हो, आर यू गुड बॉय, बोलते आ रहे हो ना, यू आर बैड बॉय, यू आर गुड गर्ल, ऐसे करके बोलते थे ना, तो इज़ एमआर लगता है इसमें, हम क्वालिटी बता रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, यहाँ किसी काम के होने की बात ही नहीं कर रहे हैं, कि क्या आप क्या करते हो, मैंने ये नहीं बोला, मैंने क्या कहा कि क्या आप हो, वो सिंपल इज एमआर वाले सेंटेंस है, मैं हूँ, आई एम, क्या बोलूँगा, क्या हूँ मैं, अभी क्या सीखा था, जो लाइफ को इन्जॉय करता है खुलकर, फुल ऑफ लाइफ, आई एम फुल ऑफ लाइफ, ये ऐसा ही सेंटेंस है, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। तो मिशा थोड़ा दिमाग आपको खोलना है कि हम पूछा क्या गया है, कहाँ पर हैज़ लगना चाहिए, कहाँ पर वॉज लगना चाहिए, कहाँ पर इज़ लगना चाहिए, ऐसे मिक्स देते रहेंगे, गलतियाँ होती रहेंगी धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपका जो माइंड है समझना स्टार्ट कर देगा चीज़ों को। मैंने कहा कि क्या आप एक अच्छे बच्चे हो, कैसे बोलेंगे, आर यू आ गुड बॉय, लड़की तो आर यू आ गुड बॉय, आपका भैया सर मैं अच्छा लड़का हूँ एक, आई एम अ गुड बॉय, अच्छा वो गर्ल बोलेगी आई एम अ गुड गर्ल, राइट। तो इसलिए इज़ लगाएंगे, फुल ऑफ लाइफ हो सर मैं तो, आई एम फुल ऑफ लाइफ, क्या फुल ऑफ लाइफ हो तो आर से होगा, आर यू फुल ऑफ लाइफ, मैं नहीं हूँ सर, आई एम नॉट, वो है शी इज़, तो डज शी फुल ऑफ लाइफ हो नहीं सकता, क्या वो फुल ऑफ लाइफ करती है, वो तो एक्शन की तरह होगा, एक्शन आएगा तो हम डूडल से क्वेश्चन करेंगे, एक्शन मतलब वर्ब या फिर काम, ओके। अब हमने सीखा था जब हम पास्ट एक्शंस की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हुए क्या आपने किया था ये काम या नहीं किया था, तो हम बोलते हैं डिड यू एक्शन, फिर से बोलो, वंस अगेन, क्या आप कल आए थे, डिड यू कम यस्टरडे, आंसर नेगेटिव है तो डिड में ही आंसर हो जाएगा, नो आई डिडंट कम यस्टरडे, कैसे पूछूं क्या वो आई थी, डिड शी कम यस्टरडे, सबको बोलते रहना और आप लोगों को भी बोलना है, अगर आप साथ साथ नहीं बोल पा रहे उसका मतलब यही है कि आपने जितने भी हमारी अभी तक लेसन गए हैं आपने उनकी क्या नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो सभी लेसन को देखें अच्छे से प्रैक्टिस करें तभी हमारे साथ एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना पाओगे। फिर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, हम जब क्वेश्चन करेंगे पास्ट के लिए कि क्या आपने काम किया था तो हम क्या बोलते हैं, डिड यू एक्शन, डिड यू वो वर्ब लग जाएगी, राइट, डिड यू प्ले, डिड यू डांस, डिड यू गो, आंसर क्या होगा, मैंने नहीं किया था सर, आई डिड नॉट एक्शन, और किया था तो सेकंड फॉर्म लग जाती है, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, मैं गया था, आई वेंट, मैं नहीं गया था, आई डिडंट गो, मैं खेला था, आई प्लेड, सेकंड फॉर्म है ना, मैं नहीं खेला था, आई डिडंट प्ले, मैंने गाली नहीं दी थी, आई डिडंट अब्यूज, मैंने दी थी, आई अब्यूज, इसने दी थी, उसने दी थी, क्या इसने दी थी,
डिड ही एब्यूज, क्लियर है। उसी के आगे हमने क्या लगाया था, वेयर एंड व्हाट टाइम, जब हम जगह पूछेंगे और समय पूछेंगे। व्हेन अभी आपको नहीं लगाना है, राइट। जगह पूछेंगे तो लगा देना वेयर, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। डिड यू एक्शन, मैंने पूछा क्या आप गए थे, डिड यू गो, फिर से बोलिए, हाँ सर गया था, आई वेंट, सेकंड फॉर्म, राइट, आई वेंट। अब मेरा क्वेश्चन बनेगा, अब मैंने पूछा था डिड यू गो, और मुझे नहीं पता कहाँ गए थे, अब डिड यू गो सेम है, उससे क्या क्या लगा दिया हमने, वेयर, कहाँ गए थे आप, वेयर डिड यू गो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, और कितने बजे गए थे, व्हाट टाइम डिड यू गो, डिड यू गो सेम है, उससे क्या हमने क्या लगा दिया, व्हाट टाइम। अगर आपने एक बार अच्छे से नॉर्मल सेंटेंसेस के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना वो सीख लेना, उसके आगे डब्ल्यू एच फैमिली लगाना बड़ा आसान हो जाता है, राइट। अगर आपने बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें तो डब्ल्यू एच लगाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होती। जिसको अच्छे से पता कि डिड यू गो होता है, डू यू गो होता है, इज ही गोइंग होता है, आर ही गोइंग होता है, हैज ही गोन होता है, हैव यू रिटर्न होता है, हैव यू गोन होता है, राइट, वो आराम से इसके आगे क्या लगा लेगा, डब्ल्यू एच फैमिली लगा लेगा, वेयर, व्हाई, व्हाट टाइम, हाउ, जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो मैंने क्या पूछा भाई, कहाँ गया था ये, वेयर डिड ही गो। अगर मैंने पूछा होता कहाँ जाता है, वेयर, ये आपसे नहीं पूछा मैंने, वेयर डज ही गो। और मैंने अगर पूछा होता आप कहाँ जाते हो, डायरेक्ट पूछता मैं, तो डू लगाते, वेयर डू यू गो, कहाँ जाते हो आप, ये कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, कितने बजे जाता है, व्हाट टाइम डज ही गो, और कितने बजे गया था, डिड आई गो, व्हाट टाइम डिड ही गो, कहाँ गया था, सर भाड़ में गया था, भाड़ में गया था, कहते हैं भाई भाड़ में जा, तो कहाँ गया था भाई, सर मैं भाड़ में गया था, ही वेंट टू हेल, ऐसे बोलते हैं ना, भाड़ में गया था, ही वेंट टू हेल, क्या बोलेंगे, भाड़ में आप कितने बजे गए थे, कैसे पूछेंगे, व्हाट टाइम डिड यू गो टू हेल, फिर से बोलो, सर मैं 6 बजे भाड़ में गया था, आई वेंट टू हेल एट 6 o'clock, इतना क्लियर है, क्या कह रहे हो, अर्ली मॉर्निंग होकर आए थे भाड़ से ही, ओके। तो क्या आप खेलते हो, क्या ये खेलता है, क्या ये खेला था, कहाँ खेला था, वेयर डिड ही प्ले, वंस अगेन लाउडली, आप लोग भी लाउडली, वेयर डिड ही प्ले, सर ये अपने घर पे खेला था, ही प्लेड एट हिज होम, कितने बजे खेला था, व्हाट टाइम डिड ही प्ले, ये सर 7 बजे खेला था, ही प्लेड एट 7, फिर से बोलो, वंस अगेन, क्या आपने गाली दी थी, गाली नहीं दी थी, मैं तो शादी में गया था सर, आई वेंट टू अ वेडिंग, क्या मैरिज पार्टी कह सकते हो, मैरिज कह सकते हो, चुकी है, आई वेंट टू अ वेडिंग, कैसे बोलेंगे, ओके, कितने बजे गए थे, व्हाट टाइम डिड यू गो, 6 बजे गया था, आई वेंट एट 6 o'clock, फिर से बोलो, शादी में कहाँ गए थे, Where did you go? In marriage. फिर से बोलो, सर मैं रोहिणी गया था, आई वेंट टू रोहिणी, फिर से बोलिए, आई वेंट टू रोहिणी एट सेक्टर 7, फिर से बोलो, आई वेंट, ओके, इतना क्लियर है, डू डज डिड अच्छे से लगा पाओगे। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस में और आगे बढ़ते हैं, क्या आप काम करते हो, करता हूँ, मैं नहीं करता, ये वर्क करता है, ही क्या ये काम करता है, लाउडली, लाउडली डज ही वर्क, फिर से बोलो, ये काम नहीं करता, क्यों नहीं करता ये, व्हाई डज ही नॉट वर्क, क्या ये काम करती है, कहाँ काम करती है वो, सर अवंती का काम करती है वो, शी वर्क्स एट अवंती का, कितने बजे काम करती है वो, व्हाट टाइम डज शी वर्क, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कितने बजे काम करती है, कितने बजे शुरू करती है काम, फिर हम ये पूछ सकते हैं भाई कितने बजे ऑफिस जाती है, क्या आपके पापा ऑफिस जाते हैं, गोडू, हाँ जाते हैं सर, आई एंड माई फादर, तो गए मैं और मेरे पापा दोनों जाते हैं, माई फादर goes to office, कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, मी एंड माई फादर बोलते हैं, मी एंड माई फ्रेंड बोलते हैं, आप लोग भी बोलते होंगे, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, स्पोकन में लोग धक्का दे देते हैं इस बात को, चल बोल दिया ठीक है, चल इग्नोर करो इसे, लेकिन इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं, ग्रामेटिकल गलत है, क्योंकि मी कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, मी ऑब्जेक्ट रहेगा, गिव इट टू मी होगा, मी मतलब मुझे, मुझे और मेरे पापा गए थे, मैं और मेरे पापा गए थे, मुझे और मेरे पापा गए थे, है ना, तो क्या बोला जाता है हमेशा, आई एंड माई फादर, आई एंड माई फ्रेंड, ओके, बोल देते हैं बस ऐसे ही, ऐसे भी कई बार हम ये भी बोलते हैं कि भाई मैं भी, मी टू, लेकिन आई टू होता है एग्जैक्ट, ओके, जैसे आई लव यू टू होता है उसी का तो छोटा आई टू, एक्शन हटा दिया उसमें से, वो एक्शन अपने आप लगा लिया कि सेक्शन के लिए आई टू बोला गया, राइट, राइट, तो आई टू, मी टू नहीं, उसको मी पता नहीं क्यों कर देते हैं, आई डोंट नो कैसे बना हुआ है सिस्टम,
एक नहीं, लगभग मुझे लगा 95% पीपल तो लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि सेम की जगह है ना, ये भी लिखते हैं मे टू, और एक और लिखते हैं टू यू, और अगर ने ये भी था एक और था वो यू की है, मतलब इन दोनों में वो क्या है? मी टू, मी टू और टू यू। मुझे भी की बात कर रहे होते हैं मी टू गिव इट, और जैसे कि मी टू अलग सेंस में हो गया, हमने एक बोल दिया। टू यू होता है जो, वो तो हो गया आपके लिए हो गया ना वो तो, जैसे कि दिस इज आई एम गिविंग दिस टू यू, मैं आपको दे रहा हूँ। टू क्या होता है हमने सीखा था, मूवमेंट की सेंस होती है, और यू आप लग गया तो आप तक कोई चीज़ पहुँचने की बात है। एक और जैसे कि I'm too tired, बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, इसका ये नहीं कह रहा कि मैं भी थका हुआ हूँ। He is too angry, बहुत ज्यादा गुस्सा है। He is too handsome, बोल दिया टच उड़ नहीं किया आप लोगों ने, नजर लग गई तो उसके हाथ बंधे हैं टच उड़। हाँ ऐसे क्या करें, हाँ टू यू ही होगा, लेकिन टी डबल ओ वाला टू होगा फिर यहाँ पर, टी डबल ओ वाला। हाँ अगर आपने वैसे वाला सिंगल टू वाला लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि कोई चीज़ आप इसको दे रहे हो वो इस तक मूव हो रही है ना, आपने कोई चीज़ को पकड़ा। ये क्या, आई एम गिविंग दिस टू यू, ले जा जी सिमरन चले अपनी जिंदगी, वो वाली फीलिंग हो गई है ना, तो तुझे दे दिया मैंने ऐश कर। तो टू तो अलग सेंस में हो गया, जैसे गिव इट टू हिम, गिव इट टू हर टू यू, ऐसे हो सकता है। गिव इट टू मी, ओके लिसन टू मी, वो चीज़ मुझ तक आने की बात हो रही है। गॉट इट, मुझसे मुझे बताओ, स्पीक टू मी, मुझसे बोलो, तो नहीं वो अपने शब्द मुझ तक पहुँचाने की बात है। हैव यू गॉट इट? तो हम डेट पे आते हैं फिर से। क्या आपके पापा ऑफिस जाते हैं? Does your father go to office? क्या आपके पापा ऑफिस गए थे? Did your father go to office? गए थे वो? Yes, he went to office. Went to go to नहीं, एक ही फॉर्म लगेगी ना। फिर से बोलो, Yes, my father went to office. Right? कहाँ गए थे आपके पापा ऑफिस कल? Where did your father go to office? सर वो पीतमपुरा गए थे। पीतमपुरा, right? Okay. कितने बजे गए थे? What time did your father go to office? Once again. सर वो 6 बजे ऑफिस गए थे। My father went to office at 6 o'clock. Right? ऐसे करके आपको क्या करना है? Do, does, did. तीनों स्ट्रक्चर हैं। Do you? Does he? Did तो सबके साथ आता है। Do, does present में करते हो या नहीं करते हो? किया था, did हो जाएगा। Did she, did he, जो भी हम लगाएंगे सबके लिए did he होगा, did they, did we, did you, कोई हो सकता है पास्ट के लिए। उसे क्या क्या आपको क्या लगा देना है? डबल एच फैमिली। एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को भी बताता हूँ कि कौन से तीन स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक तो हमने पूछा डू यू एक्शन, क्या आप ये काम करते हो, क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले, क्या ये खेलता है, तो डज ही एक्शन है ना, सो डज ही प्ले। और मैंने पूछा खेले थे, किसी से भी पूछा हमने, क्या तुम खेले थे, डिड यू प्ले। ये तीन स्ट्रक्चर हैं, डू यू, डज ही और डिड ही, राइट। इन्हीं के आगे हमने क्या लगा देना है? डब्ल्यू एच फैमिली। अब कहाँ खेलते हो? वेयर डू यू प्ले। कहाँ खेलता है ये? वेयर डज ही प्ले। कहाँ खेला था ये? वेयर डिड ही प्ले, राइट। या फिर आप कहाँ खेले थे? वेयर डिड यू प्ले। तो डू यू, डज ही और डिड सेम रहा हमारा। उसे क्या आगे हमने क्या लगा दिया? व्हाट टाइम। अगर हमें समय पूछना तो हमें क्या लगा दिया उसके आगे? व्हाट टाइम लगा दिया। कहाँ खेलते हो आप? वेयर डू यू प्ले। कहाँ खेलता है ये? वेयर डज ही प्ले। और कहाँ खेला था ये? वेयर डिड ही प्ले, राइट। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। और समय पूछा है तो हमने व्हाट टाइम लगा दिया। कितने बजे खेलते हो तुम? व्हाट टाइम डू यू प्ले। डज वाला बनाओगे अब। ये कितने बजे खेलता है? व्हाट टाइम डज ही प्ले, राइट। कितने बजे खेला था ये? व्हाट टाइम डिड ही प्ले। सो ऐसे करके आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर नंबर दिए गए हैं, ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो।
इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100 प्लस वीडियो सेशंस, 50 प्लस प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनंसिएशंस, ई नोट्स एंड डेली टास्क्स, डेली यूज वोकैब एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, अमेरिकन प्लस ब्रिटिश एक्सेंट ट्रेनिंग, टेस्ट सीरीज, कन्वर्सेशनल टॉपिक्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड मैनी मोर, जो कि स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करे अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।